गणतंत्र दिवस पर देश के कई प्रतिष्ठित लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से कई नाम संघ परिवार से संबंधित हैं और इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इसे आश्चर्यजनक ही कहा जाएगा। जीवित रहते कारसेवकों के हत्यारे के तौर पर उनकी अवहेलना करने वाली भाजपा सरकार को मुलायम को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक का सम्मान देने की जरूरत पड़ी। यह महत्वपूर्ण है। अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और उसी राम मंदिर के नाम पर हर चुनाव में वोट मांगे गए, लेकिन 1990 में हुए अयोध्या आंदोलन के दौरान उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। उसमें सैकड़ों साधु संत और कारसेवक मारे गए और कई की लाशें तो सरयू नदी में फेंक दी गईं। तब कारसेवकों के खून से सरयू लाल हो गई थी। इस हत्याकांड के बाद भाजपा और संघ परिवार ने मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम कहना शुरू कर दिया था। उसके बाद मुलायम ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए अगर हिंदुओं को गोली मारनी पड़ती है तो वे आगे पीछे नहीं देखते। मुलायम के इस बयान के बाद भाजपा और उसके परिवार ने मुलायम सिंह पर हिंदुओं की गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन उसी मुलायम को अब प्रखर हिंदुत्ववादी आदि कहलाने वाली मोदी सरकार ने पद्म भूषण दूसरे क्रमांक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। श्री मुलायम सिंह समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे। सामाजिक और राजनीति में उनकी कार्य बड़ा ही कहा जाएगा, लेकिन अयोध्या आंदोलन में उन्होंने कारसेवकों पर गोलियां चलाकर जो खून खराबा किया उससे वे देश भर के हिंदू समाज के हमेशा के लिए दुश्मन बन गए। अगर मुलायम सिंह ने गोलीबारी नहीं की होती तो हिंदू गुस्से में आकर सड़कों पर नहीं उतरता और उत्तर में भाजपा को राजनीतिक फायदा नहीं होता। उसका कर्ज चुकाने के लिए ही तो कहीं मुलायम सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया। ऐसा लग रहा था कि कम से कम इस बार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सावरकर के अपमान की राजनीति करने वाली भाजपा को वीर सावरकर को सम्मानित करने से किसने रोका है? अयोध्या में कार सेवकों का रक्त बहाने वालों का सम्मान किया जाता है, लेकिन हाँ, बाबरी गिराने वाले मेरे शिव सैनिक होंगे तो मुझे उसका अभिमान और गर्व है। ऐसी गर्जना करने वाले अयोध्या आंदोलन में जान फूंकने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को मोदी सरकार भूल जाती है। बाला साहेब के नाम पर दुकान चलाने वालों की सरकार महाराष्ट्र में है। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का तैल चित्र विधानसभा में लगाने का बड़ा गाजा बाजा किया, लेकिन अगर इसी सरकार ने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे वीर सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश की होती तो उनका ये ढोंग छिप गया होता। लेकिन महाराष्ट्र और देश में जिन्हें नागरिक पुरस्कार मिला उसमें से अधिकांश लोग संघ परिवार से संबंधित हैं। बेशक इसमें आपत्ति जताने की कोई वजह नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले रमेश पतंगे भीकुजी दाते का सम्मान उचित है। गढ़चिरौली के झाड़ी पट्टी के रंगभूमि के कलाकार परशुराम खुड़े का सम्मान तो खुशी की बात है, लेकिन मुलायम सिंह यादव का सम्मान करने वाली मोदी सरकार दो हिंदू हृदय सम्राटों वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे को भूल गई। लोगों को इस घटना को याद रखना चाहिए। ये संपादकीय 28 जनवरी 2023 को मुलायम सिंह का सम्मान हिंदू हृदय सम्राटों का विस्मरण नाम से सामना में छपा है।